नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं डीजीपे के कुछ फीचर्स के बारे में, और उसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं कि आप पे आउट कैसे करेंगे, मनी ट्रांसफर कैसे करेंगे, और पूरा लाइव डेमो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम आपको लाइव डेमो नहीं दिखा पाए थे क्योंकि उस टाइम पे उसमें कुछ इशू चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा सुधार हो गया है और वो सही से काम कर रहा है, तो हम आपको पूरा दिखाएंगे और साथ में कुछ सावधानियां भी बताएंगे उसकी, जिससे आपको डीजीपे से नुकसान ना उठाना पड़े। तो फ्रेंड, अगर आप भी पूरे डीजीपे को समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख लीजिए मैंने अपने डीजीपे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। फ्रेंड, ये सॉफ्टवेयर अब बड़ी ही आसानी से ओपन हो जाता है, कभी कोई झंझट नहीं आती है अगर आपने सही प्रकार से अपने फिंगरप्रिंट जो है डिवाइस के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं। तो अब फ्रेंड्स, आपको लॉग इन करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी सीएससी आईडी देनी है। चलिए, सीएससी आईडी डाल दी हमने, चेकमार्क लगाएंगे और स्कैन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जैसे हम स्कैन करेंगे फिंगरप्रिंट की लाइट जल जाएगी, हम यहाँ पे थंब रखेंगे और थंब रखने के बाद यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। फ्रेंड, डीजीपे का थोड़ा सा यही झंझट है कि जब तक आप ना हो तो इसे यूज नहीं कर सकते, अगर आपने किसी और को लगाया है तो वो इसे नहीं चला सकता जब तक आप इसे वेरिफिकेशन ना करें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है वेरीफाई करने में। अब देखिए ये ओटीपी भी भेजता है, तो इसमें कितना ज्यादा सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं झंझट है। अब जब हम इसे ओटीपी वेरीफाई कराएंगे तब जाके ये लॉग इन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसे क्लोज करेंगे, अब देखिए ओटीपी मांग रहा है, चलिए ओटीपी डाल देते हैं। देखिए हमने ओटीपी भी यहां पे डाल दिया है, हम वैलिड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम इसे क्लोज कर देंगे तो कुछ सेकंड के अंदर ये देखिए यहां पे जो है फिर से लोड होके ये ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये इस प्रकार से लॉग इन हो गया है। अभी देखिए दोस्तों, मैं सबसे बुरी इसकी बात आपको बताऊं कि ये मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले इसे छोड़ दिया था यूज करना क्योंकि मैं इस पे काम नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड, इसका जो मेरा यहाँ पे बैलेंस था वो यहाँ पे 0-0 हो गया, यानी इनके इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेरा पैसा यहाँ पे ले लिया। तो फ्रेंड, आप ध्यान रखें अपने डीजीपे के ऊपर, क्योंकि जो डीजीपे है ये आपका पैसा काट लेता है, आपके वॉलेट से पैसा निकाल लेता है और आपको पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड, ये ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखें, क्योंकि मेरा इसमें जो आपने पहले देखा होगा कि इसमें पहले 2000 रुपए से कम का पे आउट नहीं होता था, फिर इसने 1000 रुपए का पे आउट स्टार्ट कर दिया, तो मैंने 1000 के ऊपर का जो पैसा था वो निकाल लिया, लेकिन 1000 के नीचे का जो पैसा था वो इसमें फंसा रहा। और फ्रेंड, जब मैंने अभी इसे इंस्टॉल किया और मैंने जब इसे लॉग इन करके देखा तो यहाँ पे मेरा 0-0 हो गया, यानी कि इन्होंने जो भी मेरा पैसा इसमें पड़ा हुआ था 400-500-600 रुपए, वो इन्होंने मेरा पूरा पैसा जो है खा लिया। अब फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं अगर आप इसमें काम करते हैं और इस पे ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको कितना सारा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है विड्रॉल का। तो जैसे विड्रॉल पहले चलता था यहाँ पे सेम वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे आपको जो है बैंक सेलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, कस्टमर का आधार नंबर डालना है, फिंगर स्कैन करना है और यहाँ पे आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसका विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है बैलेंस इंक्वायरी का। तो यहाँ पे देखिए आपको बैंक सेलेक्ट करना है, कस्टमर का आधार देना है, स्कैन करना है, यहाँ पे आपका जो है बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो नया यहाँ पे बदला हुआ है वो हुआ है पे आउट में। जब भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे आउट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी सीएससी आईडी देनी है और यहाँ पे अपना अमाउंट देना है। अमाउंट देने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक तो एनईएफटी, एक आईएमपीएस। फ्रेंड, अगर आप एनईएफटी करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपका पैसा जो है आपके खाते में भेज दिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये एनईएफटी है, तो ये नेक्स्ट डे आपका जो है आपके बैंक में आता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप आईएमपीएस करते हैं तो आईएमपीएस का जो भी पैसा है वो आपका तुरंत ही आपको मिल जाता है, ये तुरंत ही आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए जब आप आईएमपीएस करते हैं तो आपको इसका चार्ज भी देना होता है। अब फ्रेंड, चार्ज कितना देना होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अगर आप यहाँ पे 25,000 रुपए तक का जो है आईएमपीएस करते हैं तो आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप 25,000 रुपए से ऊपर का
और यहाँ पे 2 लाख रुपए के बीच का आप यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे देना होता है। और फ्रेंड यहाँ पे आप देखें नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनईएफटी चार्जेस, तो एनईएफटी का जो चार्जेस है वो फ्री है, एनईएफटी का आपको कोई भी चार्ज जो है नहीं देना है। सो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आईएमपीएस हो गया यहाँ पे और एनईएफटी हो गया। अब आप समझ में आ गया होगा कि पे आउट में क्या बदलाव हुआ है, तो पे आउट की यहाँ पे आप समझ लीजिए और अगर आप जब भी यहाँ पे काम करें तो आप यहाँ पे आईएमपीएस और एनईएफटी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे जो है अपना पे आउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड जो नया आया है उसकी बात करते हैं, वो है यहाँ पे मनी ट्रांसफर। सो फ्रेंड मनी ट्रांसफर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड जैसे आप मनी ट्रांसफर के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका ऑप्शन है ऐड रिमाइंडर, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको उस कस्टमर को जोड़ना है जिसको आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी कस्टमर आपके पास आता है पैसा ट्रांसफर करवाने, सबसे पहले यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और उसे ऐड करेंगे। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पे सारी जानकारी भर ली है, हम यहाँ पे जनरल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सॉरी यहाँ पे इनवैलिड एड्रेस दिखा रहा है। सो फ्रेंड जैसे ही आप जनरल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ओटीपी भेज देगा, हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें वो ओटीपी डालना होगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारे नंबर पे कोई ओटीपी आया है या नहीं आया है। वैलिडेट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड में वैलिडेट हो जाएगा, ये देखिए वैलिडेट हो गया और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि बेनिफिशियरी यहाँ पे हो चुका है ऐड। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका यहाँ पे जो बेनिफिशियरी हमने ऐड किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे आप जितनी भी ऐड करते जाएंगे वो सारे यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे शो होते जाएंगे बिट पिन कोड के साथ। अब देखिए जैसे आपका कोई रिमाइंडर यहाँ पे ऐड हो जाता है, अब देखिए आपको उसे लॉगिन करना है, तो यहाँ पे आप रिमाइंडर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे उनका जो है मोबाइल नंबर देंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड लॉगिन करने से पहले हम अपने वॉलेट में 100 रुपए को ऐड कर लेते हैं जिससे कि हम आपको वो 100 रुपए को जो है सेंड करके दिखा सके। चलिए फ्रेंड्स हम मनी ट्रांसफर करके दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पे मनी ट्रांसफर पे आते हैं और जो रिमाइंडर हमने यहाँ पे जोड़ा है उसे हम लॉगिन करेंगे। तो हम रिमाइंडर पे लॉगिन पे करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाला हमने, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें ओटीपी आएगा तो उस ओटीपी को डाल के हम लॉगिन करेंगे। सो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर देके लॉगिन हो जाते हैं, अब आपको क्या करना है उस पेई की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। ठीक है, अभी हम लॉगिन हो चुके हैं, अब हमें यहाँ पे ऐड पेई पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, नेम इन अकाउंट, स्टेट, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर देके यहाँ पे हमें जो है उनको यहाँ पे ऐड करना है उनका अकाउंट नंबर डाल के। तो चलिए यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर दे देते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। चलिए जनरेट ओटीपी करते हैं, ये हमारे मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी भेजेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा ही यहाँ पे सिक्योर है और बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेप अपनाना पड़ता है किसी कस्टमर को ऐड करने के लिए। जब वो पूरी तरीके से ऐड हो जाता है तब जाके हम उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी देखिए इसने फिर से ओटीपी भेज दिया है, हम चेक कर लेंगे हमें ओटीपी आया है, तो ओटीपी हमें आ चुका है तो हम फिर से यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं। देखिए हमने ओटीपी फिर से डाल दिया है, हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए जैसे ही वैलिडेट हो जाता है तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोज कर देते हैं, पेई रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखिए व्यू पेई पे जाके देखते हैं, ये देखिए हमारा व्यू एक पेई ऐड हो गया है इस मोबाइल नंबर के अंदर। यहाँ पे देखिए उसकी इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट नंबर है, नाम है, ठीक है, तो सारी जानकारी यहाँ पे हमें पहले से मिल चुकी है। अब फ्रेंड्स हम इसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि पेई हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो ट्रांसफर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब फ्रेंड सीधा आपको यहाँ पे मनी ट्रांसफर पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए आपको पेई देखना है, यहाँ पे देखिए आपका एक पेई आ चुका है और विद मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है पेई का मोबाइल नंबर, नाम, उसका बैंक नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है जितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके चार्जेस काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए मैं 1000 रुपए लिखता हूँ, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 1000 रुपए लिखेंगे तो 1000 रुपए का यहाँ पे हमें चार्ज देना होता है 10। सो फ्रेंड अभी हम 1000 रुपए नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पे केवल 100 भेज के देखते हैं और जनरेट फॉर ओटीपी मनी ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड देखिए जैसे जनरेट ओटीपी मनी ट्रांसफर पे हम क्लिक करेंगे, देखिए नीचे बता दिया है टोटल 110 रुपए कटेगा हमारे वॉलेट से। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पैसा हमें देना पड़ रहा है, यहाँ पे 100 रुपए का 110 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हमने 100 ही भेज के आपको दिखाया है।
आप 1000 भी भेजेंगे तो भी आपको 10 रुपए ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर भेजते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है देना होता है। तो यहां पे देखिए मैं ओटीपी जो आया है मैं वो ओटीपी डालता हूं अभी। तो देखिए ओटीपी आ चुका है, हम यहां पे ओटीपी डालेंगे 8899677। ओटीपी डाल दिया हमने और वैलिड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने वैलिड किया। सो फ्रेंड यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है फेल्ड, यहां पे लिखा हुआ है डीएमटी फेल डिटेक्टेड अमाउंट रिवर्स यूटीआर नंबर ये मिला है, स्टेटस यहां पे दिखा रहा है सक्सेस। इसका मतलब क्या है फ्रेंड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन यहां पे सक्सेस नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं कर रहा है। मैंने इसे पहले भी यूज करके देखा था और अभी भी यूज करके देखा है तो ये सर्विस काम नहीं कर रही, इसलिए इनका सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो यहां पे मैं एक बार और ट्राई करना चाहूंगा, शायद अब इस बार हो जाए। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोबारा भी किया है फिर भी ये फेल्ड ही हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जो है मनी ट्रांसफर सेवा है अभी काम नहीं कर रही है, अभी इसमें और ज्यादा समय का टाइम लगेगा इसे स्टार्ट होने में, तब जाके ये जो है प्रॉपर वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करते हैं ये सारे फीचर समझ में आ गए होंगे और पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर हम आपको एक पूरी जानकारी सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।